हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग सब मज़े में होंगे। गाइस, आज सोच रहा हूँ कि आज मैं एंकिलो टेम करूँ। तो गाइस, एंकिलो के लिए क्या क्या लगता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं लॉन्ग नेक से टेम करूँगा। और गाइस, आपके पास बो है तो भाई आप बो से भी टेम कर सकते हो। उसके लिए शॉकिंग एरो लगेगा, जो भी वो बायो से बनता है ना वो एरो। तो गाइस, मैं एंकिलो को रिवाइव करता हूँ और बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि मैं आर्मर नहीं पहना हूँ। एक बार मारेगा ख़त्म एंकिलो, क्योंकि गाइस मैंने इसको डंजन चलाया है। आप नहीं देखे हो तो पहले पीछे वाला वीडियो देख लो आप, उसके बाद ये वीडियो देखना। इसको मारता हूँ मैं 100 200। और गाइस हाँ, अगर मेरे पीछे से जो वॉइस आ रहा है तो गाइस उसके लिए सॉरी, क्योंकि गाइस इधर बच्चे लोग बहुत हैं जो शोर करते हैं। एक को नॉक कर दिया और एक नॉक हो गया। देख लो 250 लेवल का है। अब देखता हूँ ये मेल है कि फीमेल। मेल है तो मैं फीमेल को रिवाइव करता हूँ। गाइस फीमेल को रिवाइव करता हूँ। और गाइस क्या हुआ था, मेरे साथ दिक्कत हो गया था। जैसे कि मैंने एक को ऐसे ही रिवाइव किया था तो उस पर डबल शॉट लग गया था। तो जो 100 रहता है ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको, टेमिंग इफेक्ट, तो उसका काम हो गया था। 200-300 ज़्यादा लग गया था। तो मैंने उसको मार के और उसका इम्प्लांट लेके मैंने फिर से उसको रिवाइव किया और फिर से अब नॉक कर रहा हूँ उसको। इस बार ध्यान दूंगा कि इसको 200-300 ना लगे, क्योंकि गाइस एक तो कम लेवल का है, प्लस में गाइस टेमिंग इफेक्ट का लेवल भी कम हो जाएगा, तो गाइस मज़ा नहीं आएगा। तो देखते हैं कब तक ये नॉक होता है। फाइनली ये नॉक हो गया। और गाइस दोनों नॉक हो गया, देख लो फीमेल फीमेल, और दोनों 250 लेवल का है और 125 125 मिल रहा है इफेक्ट, टेमिंग इफेक्ट। और गाइस ये जो है, जो इसको हार्वेस्ट कर लेता हूँ और कुछ मिल जाएगा अच्छा चीज़, मतलब वही हाइड और चीटेन, और क्या मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको मैं एक 15x खिलाता हूँ। और गाइस इसको मैं खिलाता हूँ डिल्लो जो होता है ना, डिल्फोसोरस जो पान थूकता है, उसका केवल खिलाता हूँ इसको। और गाइस इससे जल्दी टेम होता है, तो मैं दोनों को दे देता हूँ। अब गाइस अब आपको वेट करना होगा कि कब तक टेम होता है।
भाई बस थोड़ा सा और समय लगेगा गाइस। देखो गाइस टाइम हो गया 3374 लेवल का हो गया ये। और गाइस जितना मैंने हार्वेस्ट किया था एंकिलो का तो सब मैं इसमें रख देता हूँ। गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, उसके लिए सॉरी। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि ये दोनों का मेल फीमेल है तो ब्रीड करा देता हूँ, जिससे एक बेबी निकल जाएगा। गाइस मैंने यहाँ पे सब सेडल उडल लगा के और ये दोनों को नेचुरल कर दिया कि क्योंकि यहीं पे रहेगा, इसका जो बेबी है ना वो रहेगा मेरे साथ। तो इसको फेरिमोन खिला देता हूँ ग्रीनोला, क्योंकि ये क्या बेरी खाता है ना, तो जो मांस खाता है वो रेडोला खाता है और जो बेरी खाता है वो ग्रीनोला। तो आप इस बात को याद रखें, अगर आपको भी ब्रीडिंग कराना है तो आप करा सकते हैं ऐसे करके। फाइनली एग निकलने वाला है गाइस, और फाइनली एग निकल गया। और गाइस अब ये दोनों का देख लो सामने, ये दोनों का बेबी है 374 लेवल है। आप देखो बेबी कितना लेवल का निकलता है। और दोनों को मैं इनेबल वार्डिंग उसको बंद कर देता हूँ, और बंद करने के बाद मैं पेट्रोडोन लेके निकल जाता हूँ यहाँ से, समझ गए, पेट्रोडोन लेके निकल जाता हूँ यहाँ से। अब चलिए सीधे घर पे। और गाइस मैंने बहुत सारे एनिमल को खोजा, आप मैप में देख सकते हो, बट कोई मिला नहीं। चलते हैं गाइस, घर पे आ गया। अब गाइस आपको मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे, मतलब अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है या कोई चीज़ नहीं है तो आप कैसे उसको कर सकते हो, आखिर हैचिंग कैसे कर सकते हो एक को। तो आपको उसके लिए कैंप फायर आपको बनाना पड़ेगा। तो गाइस मैं भी बनाता हूँ, मैं भी वही करता हूँ। आपको कम से कम 3 कैंप फायर चाहिए बेबी को हैच करना है तो मैं देखिए अब मैं देख रहा हूँ क्या लगेगा। 8 हैच फ्रेंट और क्या लगेगा, हाइट वुड, हाइट तो लगता नहीं है, स्टोन और थैच। अब हो गया, अब इसको मैं बना लेता हूँ 3। और अरे यार गलती से इसमें रख दिया यार, वो रुक जाएगा, फिर से एक बना लेता हूँ, कोई बात नहीं, फिर से एक बना लेता हूँ। कैंप फायर क्राफ्ट हो गया और तीनों को मैं लगाऊंगा। सिर्फ मुझे वुड चाहिए, बाकी सब रख देता हूँ क्योंकि वुड ही के काम है सिर्फ। और यहीं पे बनाता हूँ रैप्टर के बगल में। और देखो जैसे मैं लगा रहा हूँ आप वैसे लगाओगे तो आपका भी हो जाएगा, अगर आप भी मेरे जैसा गरीब हो तो। अब देख लो यहाँ हो गया। तो गाइस इसके अंदर मैं रख देता हूँ, मतलब अंदर ऊट डाल देता हूँ सभी के अंदर, थोड़ा थोड़ा ऊट डाल देता हूँ, लकड़ी डाल देता हूँ। लकड़ी डालने के बाद और तीनों को मैं चालू कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, ऑन हो गया। अब गाइस मैं बीच में, जो बीच में गड्ढा दिख रहा है ना छोटा सा, उसके अंदर आपको एग को डाल देना है। अरे यार खाना नहीं है, डालना है, चलो ड्रॉप कर दिया एग को। गाइस बेबी निकलने वाला है। ओ गाइस मस्त ओपी, ओ भाई 3392 लेवल का निकला है, जबकि 74 शायद था मुझे जहाँ तक याद है। तो मैं ये बंद कर देता हूँ कैंप फायर को, बंद करने के बाद अब मैं बेबी को क्लेम कर लेता हूँ। क्लेम कर लिया, इसको पैसिव कर देता हूँ, और जो फॉलोइंग डिस्टेंस उसको लोएस्ट कर दें आप, क्योंकि आपके करीब ज़्यादा रहेगा, जिसे आप जब कभी भी उसको कराते हैं ना, क्या बोलते हैं, अरे कुछ भी, बस फॉलोइंग डिस्टेंस थोड़ा कम कर लेना, लोएस्ट अच्छा लगता है, लोएस्ट बेस्ट रहता है। उसको थोड़ा सा पेंट उंट कर दें जो कि मज़ा आएगा। तो गाइस मैं रेड कलर लेता हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट है। तो ये शायद पेंट नहीं होता, एंकिलो नॉर्मल एंकिलो शायद पेंट होता है, मुझे पता है, ईडी वाला नहीं होता उतना। तो गाइस इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ पेंट का, तो कोई बात नहीं गाइस, इसी को हम लोग बड़ा करेंगे। और गाइस देख लो छोटा सा प्यारा सा एंकिलो है। गाइस इसका अच्छा सा एक नाम डिसीजन करो आप। और गाइस फटाक से मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।